सुल्तानपुर में दो मालगाड़ियों की हुई जोरदार टक्कर, ट्रैक पर बिखर गए मालगाड़ी के डिब्बे, तड़के सुबह हुआ जोरदार हादसा, हादसे में घायल हुए लोको पायलट। सुल्तानपुर के गभड़िया में भोर में ही दो मालगाड़ियां आपस में भिड़ गईं। हादसा इतना भयंकर था कि आसपास रहने वाले लोग इनकी आवाज सुनकर बाहर भाग आए। सामने देखा तो डिब्बे ट्रैक पर बिखरे पड़े थे और लोको पायलट घायल होकर अंदर ही गिरे थे। मामला सुल्तानपुर जंक्शन के दक्षिणी केबिन के पास हुआ, जहां इस टक्कर से करीब आधा दर्जन डिब्बे पटरी से उतर गए। ये दोनों मालगाड़ी एक ही ट्रैक पर आमने सामने से भिड़ी, लिहाजा हल्की मालगाड़ी भारी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। इस हादसे की वजह से लखनऊ वाराणसी और अयोध्या प्रयागराज रेलवे ट्रैक बाधित हुआ और करीब 15 ट्रेन के रूट्स बदले गए। इस हादसे से रेलवे प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। वो तो गनीमत रही कि ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, वरना भगवान जाने आज कितनी बड़ी अनहोनी हो गई होती। इस हादसे में दोनों मालगाड़ियों के लोको पायलट्स यानी ट्रेन के ड्राइवर्स घायल हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हादसे के बारे में एक स्थानीय ने बताया कि उन्हें इस ट्रेन की आवाज इतनी तेज आई कि उनकी नींद टूट गई और जब वो अपने घर से बाहर निकले तो देखा कि सब भागकर ट्रैक की ओर जा रहे हैं। इसी बीच वो भी ट्रैक के पास पहुंचे और ट्रैक पर जब सामने देखा तो यहां का मंजर काफी डरावना था। घर से लेटे हुए थे, आवाज बहुत तेजी थी, जैसे लगा कि भूकंप आ गया है, सेम तुर्की जैसा। इतना आवाज सुनते ही हम घर के बाहर देखे, लोग भाग रहे हैं, क्या हुआ, किरासी के पास पहुंचे तो मालूम ये हो रहा है कि दो दो ट्रेन एक ही पटरी पे आई, आपस में टक्कर हुआ, जो कि जो खाली वाला हिस्सा था भरे वाले हिस्से पे चढ़ गया। तो ऐसे में क्या किसी को चोटें भी आई हैं क्या? इसमें एक ड्राइवर घायल है, एक का पता नहीं है, दो ठीक ठाक है। बताया जा रहा है कि हादसे की सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रैक से डिब्बों को हटवाना शुरू किया। इसके अलावा घायल हुए ड्राइवर्स यानी लोको पायलट्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही साथ फैजाबाद पैसेंजर के जो 300 से ज्यादा टिकट्स बिके थे उनके पैसे यात्रियों को वापस कर दिए गए और बाकी ट्रेन के रूट बदले गए या फिर उन्हें काफी देर तक किसी स्टेशन पर खड़ा किया गया। बहरहाल इस हादसे से जितनी बड़ी रेलवे प्रशासन की लापरवाही सामने आई है उसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। बस लोग इसी बात का शुक्र मना रहे हैं कि ये मालगाड़ी थी, कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं। सुल्तानपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अंकुश यादव और अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।